हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमी क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे हम कि हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की झीलें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की झीलें। अब हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो दो झीलें होती है उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास जो झीलें हैं वो थी मानव निर्मित, और दूसरी कौन थी? प्राकृतिक, ठीक है। तो हमने जो मानव निर्मित झीलें थी हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके एमी क्लासेस में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि मानव निर्मित झील जो मेन मेन है, ठीक है, वो कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो प्राकृतिक झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ में प्राकृतिक जो झीलें हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब दो दो तीन तीन झीलें मौजूद है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इनको जानेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हेडिंग में प्राकृतिक झीलें, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले देखो हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने सबसे पहला जो मेन पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इनको समझना है, ठीक है, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, उस लेक की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, वो उसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है, ये सब हमने इस चीज में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट लेंगे वो लेंगे चंबा। तो चंबा में क्या है, जो झीलें हैं है तो वहां पे बहुत सारी झीलें हैं चंबा में, लेकिन जो मुख्य मुख्य झीलें हैं चंबा की देखो वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी, मणि महेश झील, ठीक है। नंबर दो पे आती है हमारे पास, दूसरे पे कौन होती है, देखो एक हमारे पास मणि महेश होगी, दूसरी गडासरू झील। तीसरे पे आती है हमारे पास खजियार, ठीक है। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले मणि महेश, दूसरे पे कौन सी है, दूसरे पे है गडासरू झील, तीसरे पे है हमारे पास खजिया, जो चौथा है, चौथे पे आती है हमारे पास कौन सी, लामा झील, और जो पांचवा है, पांचवें पे आती है महाकाली झील। देखो जो हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो मेन देखो है तो वहां पे बहुत सारी लेक्स है वहां पे जो नेचुरली है, ठीक है, लेकिन हम जो मेन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है मेन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मणि महेश झील की, ओके, तो मणि महेश झील है वो चंबा का एक भरमौर, ठीक है, भरमौर उपमंडल है, वहां ये झील पाई जाती है जो मणि महेश है। तकरीबन आप सभी लोगों ने इस झील के बारे में मतलब सुना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है चंबा की, ठीक है, ये झील जो है वो बहुत ही फेमस झील है चंबा की। और यहाँ पे क्या है, हमारे जो शिवजी भगवान जी है उनका मणि महेश रूप में वो विराजमान है, ठीक है, और आपने उनकी वो स्टोरी सुनी होगी, ठीक है ना, सभी को पता है मणि महेश झील के बारे में, ठीक है, इनकी स्टोरी के बारे में वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है इसकी ऊंचाई की, लग गया ना पता कि इसका स्थान कहाँ है, ये भरमौर उपमंडल में आती है, लेकिन ये क्या है, भरमौर से ये ट्रैक करना पड़ता है झील तक पहुंचने के लिए, बहुत ही लंबा ट्रैक है, ठीक है ना, तब आप मणि महेश झील के दर्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी ऊंचाई की, ठीक है,
तो जो ये झील है ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है स्थित है, ठीक है? तो ये समुद्र तल से 4200 मीटर, मतलब 4200 मीटर, ठीक है, 4200 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये झील। ओके, अब ये तो होगी हमारे पास किसकी, मणिमहेश झील के बारे में बात। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मणिमहेश झील है वो कौन से जिले में पाई जाती है, चंबा। अब कौन से मतलब चंबा में कहाँ पाई जाती है, भरमौर उपमंडल में। अगर एग्जैक्टली पूछे तो क्या है मणिमहेश, क्या है मणिमहेश, एक पर्वत का नाम है, ठीक है, जो भरमौर में पड़ता है, भरमौर जो उपमंडल है उसके अंतर्गत ये क्या है मणिमहेश, एक पर्वत है और वहां पे मणिमहेश झील है, ठीक है, ये सबने सुना है। ओके, तो ऊंचाई की बात करें अगर इसकी, तो कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी है 4200 मीन्स 4200 मीटर। ओके, 4200 मीटर। अब ये तो होगी बात मणिमहेश झील की, अब बात करते हैं हम किसकी, जो दूसरे नंबर की झील है, गडासरू झील। गडासरू झील, अब ये जो गडासरू झील है ये चंबा में कहाँ पड़ती है, ठीक है, तो ये चंबा के अगर स्थान की बात करें, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के चूरा तहसील के देवी कोटी स्थान पर, ठीक है, कहां पे है ये, है चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुराह तहसील, ठीक है ना, चंबा में एक चुराह क्या है, तहसील है, जिसमें कौन सा, एक देवी कोटी नामक एक जगह है जहां पे जो ये गडासुरु झील है ये पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 3505 मीटर, मीन समुद्र तल से, ठीक है, ऊंचाई हमेशा किससे नापी जाती है, समुद्र तल से, ठीक है, सी लेवल से, ठीक है, तो ऊंचाई इसकी कितनी है, 3505 मीटर की ऊंचाई पर ये जो झील है ये स्थित है। ओके, अगर बात करूं मैं इसकी परिधि की, तो इसकी जो परिधि है इस लेक की, परिधि समझते हो ना आप, सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 1 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस में है, ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 1 किलोमीटर। ओके, ये लग गया पता। देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, गडासुरु झील, गडासुरु झील के बारे में अगर आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले अगर उसके स्थान के बारे में पूछा गया तो कहाँ है, चुराह तहसील के देवी कोटी नामक स्थान पे। ओके, दूसरी बात अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो 3505 मीटर। ओके, अगर इसकी परिधि पूछी जाती है, सर्कमफ्रेंस पूछा जाता है इस लेक का, ठीक है, तो कितना है, 1 किलोमीटर का। ओके, ये तो हो गई हमारे पास कौन सी, एक मणिमहेश झील, देखो भाई गडासुरु झील। अब जो थर्ड पे आती है हमारे पास, थर्ड पे है हमारे पास खजियार, ठीक है, खजियार झील। देखो इसका भी पहले हमें स्थान पता होना चाहिए, ठीक है, स्थान के बाद क्या होना चाहिए, इसकी लंबाई और ऊंचाई। ओके, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे स्थान की, खजियार झील। खजियार क्या है, चंबा में एक जगह है खजियार, ठीक है ना, ये चंबा में एक जगह है खजियार, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, खजियार, तो वहां पे क्या है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड। ओके, ये भी बताऊंगा मैं आपको जब इसका टॉपिक आएगा, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज का जब टॉपिक आएगा तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, खजियार के बारे में जो इसकी स्टोरी है, क्यों इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का जो भी मिनी स्विट्जरलैंड है वो क्यों कहा गया है इसको, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ है ओनली 0.5 किलोमीटर, मतलब ये समझ लो तुम आधा किलोमीटर इसकी लंबाई है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर बात करूं मैं इसकी ऊंचाई की कि ये समुद्र तल से कितने ऊंचाई पे स्थित है ये, तो ये है 1951 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, कितनी है, 1951, 1951
51 मीटर की ऊंचाई पे ये झील स्थित है। तो ये लग गया पता आपको खजियार झील का भी। स्थान पूछे तो चंबा का खजियार, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें 0.5 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 1951 मीटर। ओके, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है ये हो गया इसके मेन मेन पॉइंट। अब जो फोर्थ लेक है हमारे पास वो है लामा झील। ओके, अब ये जो लामा झील है इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ कैमरा कैमरा थोड़ा सा मतलब हिल रहा था ये, तो इसलिए मैंने रोक लिया था इसको। देखो अब आती है हमारे पास लामा झील। जो लामा झील है ये भी कहाँ पड़ती है, स्थान इसका चंबा। ओके, अगर मैं इसकी और बात करूं इसकी ऊंचाई की, ऊंचाई कितनी है इसकी, तो इसकी ऊंचाई है 3962 मीटर। कितनी है, 3962 मीटर की ऊंचाई पे ये झील स्थित है। और इस झील को क्या बोलते हैं, इस झील को सात झीलों का समूह भी बोला जाता है। सात झीलों का समूह। ओके, देखो लामा झील ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लामा झील, एक लामा झील कहां पे है, ये एक लामा झील यहाँ सॉरी चंबा में है, और एक मेरे ख्याल से हमारी धर्मशाला में भी आती है, ठीक है। नहीं सॉरी, वो लामा नहीं है, डल है, क्योंकि डल दो झीलें हैं, एक धर्मशाला में है और एक चंबा में है। सॉरी, लामा सिर्फ कहाँ पे है, लामा सिर्फ चंबा में ही है। ओके, ये लग गया पता इस झील की ऊंचाई कितनी है, 3962 मीटर। अगर इसको क्या और क्या बोला जाता है, इसको सात झीलों का समूह भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गई, देखो खजियार का पता लग गया, लामा का भी पता लग गया जो लामा झील थी। अब लास्ट जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास महाकाली झील। महाकाली झील, ओके। तो इसका भी स्थान और ऊंचाई ये पता होना चाहिए। देखो स्थान कहाँ है इसका, ये कहाँ है, चुराह तहसील। ये भी कहाँ है, चुराह तहसील में ही है ये। ओके, और उसकी ऊंचाई की बात करता हूं मैं, तो इसकी ऊंचाई है 3657 मीटर। ओके, देखो यही जो मेन चीज होती है, देखो झीलों के बारे में ना यही मेन चीज होती है कि एक तो यहाँ उसका स्थान पूछा जाता है, इसकी लंबाई पूछी जाती है, और एक उसकी ऊंचाई पूछी जाती है। मेन एक स्थान पूछा जाता है, ऊंचाई पे कितनी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। लंबाई भी बड़ी कम ही पूछी जाती है कि कितनी लंबी है, ठीक है। तो ऊंचाई और स्थान ये दो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है। ओके, ये तो होगी कौन सी किस जिले की बात, ये होगी चंबा की बात। अब चंबा के बाद हम बात करेंगे किस जिले की, कांगड़ा, कांगड़ा जिला। अब कांगड़ा में मुख्य रूप से जो लेक्स पाई जाती है ना, जो नेचुरल लेक्स पाई जाती है, वो दो मेन जो है वो दो है, ठीक है। कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले एक तो है डल झील, इसी की बात कर रहा था मैं। देखो डल झील के बारे में चंबा में बताया कि जो डल झील है वो चंबा में भी है, ठीक है। ओके, लेकिन वो चंबा में इतनी मतलब प्रसिद्ध तो है, लेकिन इतनी जितनी ये धर्मशाला वाली जो कांगड़ा जिला वाली प्रसिद्ध है ना, इतना इस झील के बारे में मतलब इतना प्रसिद्ध ही नहीं है, ठीक है। अब जो बात करें अब कांगड़ा जिला की, ठीक है, तो कांगड़ा जिला में एक तो होगी नंबर वन पे डल झील, नंबर दो पे करेरी झील, ठीक है। अगर बात करूं मैं डल झील की, ठीक है, तो डल झील कहां है, धर्मशाला से, देखो धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर एक जगह आती है भागसुनाग, ठीक है, भागसुनाग मतलब वो भागसुनाग एक जगह का नाम भी है, लेकिन ये टेंपल है भागसुनाग का, ठीक है। वहां पे ये क्या है, ये डल झील स्थित है, ठीक है। अब भागसुनाग को मैं बताऊं कि आप कभी आप मैकलोडगंज की तरफ गए हो, उस साइड ये झील पड़ती है, ये झील भी उसी साइड पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये धर्मशाला से क्या है 11 किलोमीटर दूर है भागसू जगह पे, ठीक है।
अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं मैं, ऊंचाई तो ये 1775 मीटर की ऊंचाई। ओके, कितनी है 1775, 1775 सी लेवल से। ओके, ये तो हो गया हमारे पास डल झील का। देखो डल झील, डल झील दो है, एक चंबा में भी है और एक धर्मशाला कांगड़ा जिला में भी है। ठीक है, कांगड़ा जिला के धर्मशाला में। ओके, धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर भागसूनाग में। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है 1775 किलोमीटर। ठीक, ओ सॉरी मैं किलोमीटर बहुत पागल हो गया मैं। ठीक है ना, 1775 मीटर। ओके, तो ये थी हमारे पास डल झील की। अब बात करते हैं हम करेरी झील की। जो करेरी झील है वो कहाँ है, ठीक है, और कितने ऊंचाई पे है। ठीक है, तो स्थान इसका और ऊंचाई, अगर स्थान की बात करूं मैं इसके, तो स्थान ये इसका वही है धर्मशाला के, मतलब धर्मशाला में ही, धर्मशाला से हम ऊपर की तरफ चले मैक्लोडगंज, ठीक है ना, वहां पे करेरी गांव आता है, करेरी गांव। ठीक है ना, जगह का नाम है करेरी, जहां पे ये झील है। ठीक है ना, वहां एक छोटा सा गांव भी है। ठीक है ना, तो वहां उसी जगह पे ये क्या है मतलब स्थित है ये झील, मतलब कहां पे, धर्मशाला के। तो इसको अगर ऐसा पूछ लेना, देखो इसमें अगर जनरली मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन भी बनता है ना करेरी झील का कि करेरी झील कहां पे है, तो ऑप्शन में ये आपको सीधा धर्मशाला ही लिखा होगा। ठीक है ना, धर्मशाला, या अगर मैकलोड लिखा तो आपने मैकलोड पे ठीक कर देना, क्योंकि ठीक है पर मैकलोड वाला कम पूछते हैं। ठीक है ना, धर्मशाला लिखा जाता है सीधा। ठीक है ना, बता दिए मैंने आपको वहां पे करेरी जगह का नाम है, एक छोटा सा गांव है। ठीक है, करेरी, तो वहां पे ये झील स्थित है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 3048 मीटर। ओके, कितनी है 3048 मीटर। तो ये दो ही चीजें हैं इसमें भी, देखो करेरी झील में स्थान, धर्मशाला के करेरी गांव। ठीक है, करेरी जगह एक मैक्लोडगंज से भी ऊपर चले जाएंगे जब आप, ठीक है, तो वहां पे एक गांव आता है छोटा सा करेरी, तो वहां पे ये झील स्थित है। अगर ऊंचाई की बात करें तो 3048 मीटर, मतलब 3048 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई पे ये स्थित है। ठीक है, अब ये तो हो गए, देखो कांगड़ा में सिर्फ दो ही है जो प्रमुख है। ठीक है, दो झीलें हैं जो मेनली मानी जाती है और जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब आती है हमारे पास जो तीसरा हमारे पास जिला है, ये है किन्नौर जिला। तो यहां हम मुख्य रूप से ना देखो, यहां पे तो बहुत सारी झीलें पाई जाती है छोटी छोटी, लेकिन जो मेन है किन्नौर की वो है नाको झील। देखो नाको झील है जिसकी क्या है ये कहां, देखो इसका स्थान अगर हम बताएं और इसकी ऊंचाई, तो स्थान का है किन्नौर के पूह, पूह जगह। ठीक है, किन्नौर में एक जगह है पूह, ठीक है, वहां पे ये झील पाई जाती है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 3662 मीटर। ये 3662 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब 3662 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो किन्नौर था उसमें मेनली जो मेन है वो एक ही झील है, वो कौन सी है, वो है नाको, जिसका स्थान कहाँ है किन्नौर के पूह में, इसकी ऊंचाई की बात करें 3662 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये थी आज हमारे पास कुछ, मतलब हमने तीन झीलों की जो प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है, नेचुरल लेक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। बाकी जो हमारे पास बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।